देखिए, अभी तक कुछ पता नहीं चला मेरी बेटी का। मेरे आपसे प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मेरी बेटी मेरे पास सुरक्षित होनी चाहिए। पौड़ी के शिकोट में एक रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट के रहस्यमय तरीके से गायब होने का केस अब रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आज ही अभी लगभग आधा घंटा पहले ही ये केस हमको ट्रांसफर हुआ है। गंगा भोगपुर तल्ला का ये मामला है। वहाँ से कोई लड़की जो रिजॉर्ट में काम करती थी वो मिसिंग है, बताया गया 4-5 दिन से। पटवारी के यहाँ उसकी गुमशुदगी लिखाई गई है और वो केस हमको ट्रांसफ़र हुआ है। तो अभी जस्ट ट्रांसफ़र हुआ है, तो अब हम टेक्निकल जो भी चीज़ें होंगी उसके आधार पर और बाकी वहाँ पर मौका मुआयना करके जो है जो भी विवेचना होगी वो करेंगे। जनपद पौड़ी के गंगा भोगपुर में स्थित एक रिजॉर्ट से रहस्यमय हालातों में पौड़ी के श्रीकोट की रहने वाली लड़की के लापता होने के मामले में अब जांच राजस्व से रेगुलर पुलिस को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि लापता रिसेप्शनिस्ट अंकिता बीती 18 सितंबर से लापता है और उसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये तो मेरा अपना उत्तराखंड है, मेरे को कुछ मेरे को आप मेरी जो भी है मेरी मदद करो, मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी मेरे सामने वो करो। मैं अपना दिल का हाल आपको बता नहीं सकती, मुझ पर क्या बीत रही है, 5 दिनों से मैं कैसे यहाँ पे खड़ी हो रही हूँ आपको बता नहीं सकती। मेरे आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी पता लगाओ, जल्दी से जल्दी। ये तो जरूर है कि राजस्व विभाग की लापरवाही और खासतौर जो पटवारी हैं वो संदिग्ध के घेरे में है। और दूसरी बात यह है कि यदि किसी की बालिका की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज होती है तो पहले आपको माँ बाप से संपर्क करना चाहिए, जिसमें कि राजस्व विभाग की बहुत कमियां हैं। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए प्रदीप नेगी की रिपोर्ट।